ये बच्चों के बुक्स भी आ गए हैं और बच्चे के यूनिफॉर्म भी हैं सबके, और इनकी स्टेशनरी भी आ गई है, इनकी ज्योमेट्री बॉक्स भी आ गए हैं। ये किसका है? ये मेरा है। और ये मेरा है। हाँ, ये तुम लेते ना, ये ग्रीन जो लड़कियों का होता है। और ये फातिमा का, ये यूनिफॉर्म बच्चों के, तीनों बच्चों के, इनकी इनकी निकली है लॉटरी, इनकी लॉटरी निकली है दोनों मियाँ बीवी की। तो ये जो है मैं ये लेकर आए हैं समोसे और ये मिठाई, और ये मेरी जिगर फातिमा खनिया बेबी। माता दुआ करो आपको, आप दोनों को लॉटरी की मुबारक हो। आपको भी मुबारक। हाँ खैर मुबारक फातिमा, मुबारक हो आपके माँ बाप की लॉटरी निकली है। अच्छा मुबारक हो। ठीक है, ये मुझे इनका वगैरह सामान। हेलो बेटा, ये मुझे ये देखें, ये बच्चों के यूनिफॉर्म है। और ये क्या है? ये अच्छा आरिश की, ये पेंट हो गई। ये इस्लामाबाद में भी ऐसे बिल्कुल सेम है। चले जी, अजान हो गई और ये है मिठाई। अरे खाई बन जानी, थोड़ा सा खा। हेलो तो दे जो किको खाओ, मी मेरा हु खाओ ना, समोसा खाओ ना। हां तो दे जो। हेलो बाबा तो दे जो बेरोनी। हां तो चोपो खाई दे, चल खाई दो भाई। अभी अभी चलो बोलो। चल और मिठाई ये किस खुशी में आई है ये आगे चल के मैं बताऊंगी, और एक गुड न्यूज़ भी है वो भी मैं चल के आगे बताऊंगी इस वीडियो में या दूसरी वीडियो में। और ये जो मिठाई है किसी और न्यूज़ की है, गुड न्यूज़ की है। और उसके बाद है ये समोसे, तो चले जी इसको खाते हैं और फिर बताते हैं कि ये किस चीज़ की खुशी में है। तो ये मैं खा रही हूँ समोसे तो नहीं है, समोसा है एक। मिठाई पोखा जान फातिमा, मिठाई पोखा जान समोसा वी है मामा का। डुक 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 और जी बाहर जो है अंधेरा भी छाने लगा है, मगरिब की अजान हो गई है। मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया था तो मुझे लगी थी भूख, तो इस वजह से मैं खा रही हूँ समोसा, खा के फिर पढ़ती हूँ नमाज़। वज़ू मेरा क्या हुआ है तो बस नमाज पढ़ूंगी। और ये बच्चों की बुक्स भी आ गई हैं। ये किसकी खुशखती? ये खुशखती ये वाली मेरी है। फातिमा की है? नहीं मेरी, फातिमा की स्कूल वाली। आपको क्यों दी है खुशखती? बस ऐसे ही पैसे जाया करना। और ये देखें लाली के बच्चे, ये पाँव में अभी आ रहे हैं। हेलो, एक ब्लैक है, एक ग्रे है, और एक ये है हल्का सा ग्रे। ये देखें यहाँ बाहर सहन में लाइट की कमी है, ये लाइट है तो आप लोगों को नज़र पता नहीं आ रहा है। देखो मेरे पाँव में आ रहा है। और ये देखें, ये तो बिल्कुल ही ब्लैक है। और बहुत ही ये एक्टिव है, इस उम्र में ये बहुत एक्टिव है, पहले वाले नहीं थे ऐसे। अब फिर से हमारे घर में रौनक लग गई। एक को हम फेंक के आए थे लाली के बेटे को, इतना तंग किया था उसने हमें। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, और ये पानी भी हाँ अभी मेरी ये सेकंड शिफ्ट है मेरी। हाँ ये अभी होके आया था, ये देखो।
और अभी मैं घर के पास जो लगती है हफ्ता बाज़ार वहाँ पे आई हूँ, और अभी बंद हो रही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम था, कंघी लेनी थी मुझे, कंघी कॉम्ब लेना था। किस तरह दे रहे हैं ये? 50 की है, वो 30 रुपए। तो जी हम हदीद पहुंच चुके हैं, और बेटा यहाँ पर खड़ा है मोबाइल शॉप पर, उसको मोबाइल कुछ देखने थे क्योंकि वो लेना चाहता है मोबाइल। तो वहाँ पर रश बहुत था, लोग खड़े थे, मर्द जो है जेंट्स खड़े थे, तो मैं नीचे ही थी और मैं यहाँ पर शूटिंग भी कर रही थी वीडियो की, तो भी लोग देख रहे थे। तो एनीवे कोई बात नहीं, जैसे चलता रहता है, ये हमारी जॉब है, जिस तरह से दूसरी जॉब्स होती हैं ये भी हमारी जॉब है। तो कहीं तो फिर कुछ मोबाइल शॉप पर गए, तो कुछ मोबाइलें देखी, फिर आए थे बुक चेंज करने, तो वो यहाँ पर बुक हम चेंज कर रहे हैं और बुक चेंज करके, और फिर हम आए थे जी सिर्फ आप लोगों के लिए। मैंने शूट किया है गुलशन हदीद की, जो है रौनकें हैं, रोशनियों का जो है इलाका है, तो आप लोगों के लिए ही मैं शूट किया है, वरना तो हमने दिया था पानी का जो है बोतल, तो वो बोतल हम मिनरल वाटर जो होता है वो हमने बोतल उठानी थी, और वो अभी उठाई नहीं, तो हमें बुक शॉप पर जो है, हमने यहाँ पर बच्चों के बैग की शॉप देख ली है, तो वहाँ पर हम आए हैं। इतना छोटा 1600 का। हाँ मांगो कुछ कमी पेशी हो सकती है, ये बताओ। हाँ सही है, हल्दी वाला और ये वाला 1800। तो जी जैसे ही हम बेटा और मैं घर आए, तो फिर बेबी ने मुझे कहा कि आंटी जो है आप लोगों को मैंने ट्रीट दी है आज, और चलो चलते हैं बाहर खाना खा के आते हैं, डिनर करते हैं। तो दोबारा हमें फिर से यहाँ गुलशन हदीद में आना हुआ, क्योंकि हमारा एरिया जो है उसमें कोई इतना अच्छा कोई रेस्टोरेंट है नहीं, और यहाँ पर हम आ गए थे बारबेक्यू पर, तो कुछ लोग उतर रहे हैं और हम उनके वेट में हैं कि उतर जाएं तो फिर हम ऊपर जाएं, क्योंकि जगह तंग है, कंजेस्टेड है। और इसी जगह पर जो है हम नीचे भी है फैमिली हॉल, लेकिन ऊपर जो है ओपन एरिया है और हवादार है, बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है और बंदा इजी हो के खाना खाता है। तो हम ऊपर वाली पोर्शन में एरिया में पहुंच चुके हैं, और बच्चे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, खैर हमने भी एंजॉय किया, काफ़ी दिनों के बाद हम बाहर निकले थे एक साथ फैमिली, वरना अकेले अकेले जाता है क्योंकि बड़ी गाड़ी है नहीं, तो बाइक पर तो एक साथ नहीं आ सकते, तो इसलिए अलग अलग निकल जाते हैं। और आज जो है मौका मिला है एक साथ डिनर करने का, तो
सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी से आर्डर दिए हैं। बच्चों ने पिज़्ज़ा मंगवाया है और किसी ने जो है रेशमी कबाब और किसी ने टिक्का बोटी और मलाई बोटी और टिक्का चिकन टिक्का था। तो रात के टाइम में हम वैसे भी खाना कम खाते हैं और ऐसा खाते हैं कि जल्दी से हज़म हो जाए। और ये था बच्चों का पिज़्ज़ा, तो बहुत ही माशाल्लाह से इंजॉय किया हम सब ने। और जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर खाना खा लिया है। अरे बस्तर खावा बस्तर से बचाया था। फातिमा कोल्ड ड्रिंक पी रही हो? आप भी। और जी अब हम जा रहे हैं, खाने भी यहाँ पक रहे हैं। देखें वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और आज है संडे, तो संडे के दिन मेरी ड्यूटी होती है कपड़े प्रेस करना, यानी कि मेरे अपने कपड़े, मेरे हस्बैंड के कपड़े तो बाहर जाते हैं प्रेस होने के लिए। तो एक संडे छोड़ के दूसरे संडे में अपने कपड़े जो है प्रेस कर लेती हूँ, तो माशाल्लाह से 15-20 दिन चल जाते हैं। तो अभी है ये मेरी ड्यूटी और मैंने कुछ कपड़े प्रेस कर लिए हैं, पड़े हुए हैं, दिखाती हूँ। ये जो है ये एक सूट कर लिया है, ये दूसरा और तीसरा मैं अभी कर रही हूँ। और लेट में इसलिए हो गई हूँ कि बच्चे भी छुट्टी के दिन यहाँ कर बैठ जाते हैं मेरे साथ या चारपाई पे, और बेबी भी आ जाती है, फिर जो बातें होती हैं मैं फ्री होती हूँ, तो फिर जो भी दुनिया की बातें होती हैं हम दोनों आपस में यहाँ कर लेती हैं। और दूसरी बात के ये मैंने मिठाई दिखाई थी बेबी जो है, तो बेबी का मैंने बताया था कि बेबी की एक डील जो है पक्की हुई, वो रिश्ते जो है करवाते हैं, इनका कोई ग्रुप है बेबी वालों का जो वो रिश्ते करवाता है। तो मैंने पहले भी बताया है कि बाहर के इंटरनेशनल जब रिश्ते होते हैं तो उसकी 1 लाख रुपए फ़ीस है, और अगर पाकिस्तान में हो तो उसके जो है 60 या 50 होते हैं। तो बेबी की इंटरनेशनल डील हुई थी, तो वो रिश्ता हो गया है और निकाह भी हो गया है, तो बेबी को पेमेंट मिली थी। तो इस खुशी में बेबी ने हमारी पार्टी की थी कि बाहर खाना खाते हैं। तो बस ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं आपस में। मैंने तो उसको कहा था कि भाई आप अपनी फैमिली के साथ जाएं, हम जो है घर में हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, अगर आप नहीं चलेंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। तो फिर हम भी गए थे। और मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप लोगों में से भी किसी को रिश्ता चाहिए तो हर रिश्ता यहाँ पर मौजूद होता है बेबी वालों के ग्रुप में। तो मैं नंबर भी देती हूँ, स्क्रीन पर मेरा नंबर भी आएगा, तो आप कांटेक्ट करके और रिश्ते के लिए बात कर सकते हैं। तो ये थी खुशखबरी। और बाकी एक गुड न्यूज़ है, तो उसके लिए आप लोगों को अभी तक वेट करना होगा, वो भी मैं बताऊंगी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में या उससे भी नेक्स्ट में। तो इंशाल्लाह वो भी गुड न्यूज़ है। और मेरी वीडियोस आप देखते रहिएगा और मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और मेरा भी साथ दीजिए, और ताकि मेरी जो है हर बात जो भी मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ में होती है आप लोगों से मैं शेयर करती रहूँगी, करती रहती हूँ। तो आप भी मेरा साथ दीजिए, बहुत सारा साथ दिया है आप लोगों ने, आगे भी मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस ये थी, और मेरा स्क्रीन पर अभी नंबर आएगा, अगर आपको रिश्तों की कोई ज़रूरत हो या किसी रिश्तेदार को, किसी फ्रेंड्स को, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो जी मैंने कपड़े भी प्रेस कर लिए और मैंने नमाज़ भी ज़ोर की पढ़ ली, और अभी 4:15 का टाइम हुआ है, शाम का, शाम ही समझे और क्या है। तो बेबी ने बनाया है पुलाव, ये हमने कल दोपहर को चिकन बनाया था,
तो बहुत सारा बच गया था, उसमें बेबी ने जो है चावल डाल के पुलाव बना लिया है। तो ये हमारे दोपहर का खाना अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये नसीब किया था तो हमें मिला है। और ये है मेरा जिगर, बाकी दोनों तीनों वहाँ खड़े हैं ये, और मेरा बेटा गया है शॉप पर। तो चले जी आइए साथ खाना खाएं।